नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। आज एक सवाल से शुरुआत करते हैं। पांच बासी रोटी खाना ज्यादा फायदेमंद है या एक ताजी रोटी? पांच सड़ा हुआ सेब खा लें या एक ताजा बेहतर सेब खा लें, फायदा किसमें है? वाजिब तौर पर आपका जवाब होगा कि एक जो बेहतर है, ताजा है। तो उसी तरह हम क्वालिटी पर फोकस हमेशा करें, ना कि क्वांटिटी पर, यानी गिनती पर नहीं, बल्कि गुणवत्ता हमारी साख है। और योग में इसी महत्ता को हमारे सनातन ऋषियों मुनियों ने फोकस किया है। लेकिन दुर्भाग्य से कि हम संख्या के पीछे दौड़े जा रहे हैं। एक बहुत बेहतर मौका आया है, आजादी का अमृत महोत्सव, यानी 75 साल में मनाया जा रहा है। योग को भी इसमें शामिल किया गया है, और उसमें खास तौर पे संपूर्ण अभ्यास के तल पर एक सूर्य नमस्कार। लेकिन आप देख रहे हैं कि सूर्य नमस्कार में भी वही क्वालिटी पर फोकस ना होकर के क्वांटिटी पे फोकस है। एक जो वेबसाइट बनाई गई है ऑफिशियल, जिसमें सूर्य नमस्कार को लेकर की बात है, 75 करोड़ सूर्य नमस्कार, कहीं 75 लाख लोग की बात हो रही है, कहीं 75 करोड़ सूर्य नमस्कार। नंबर से हमें कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ है कि सूर्य नमस्कार की क्वालिटी पे कोई फोकस नहीं है। जैसे इसके जो बैनर बने हैं, वेबसाइट से लेकर के जो कार्यक्रम लॉन्च हो रहे हैं, उसके वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि पहली दूसरी स्थिति को छोड़ लें, तीसरी स्थिति पे आए, जिसको हम लोग अंजनी आसन कहते हैं, वो अश्व संचालन करें, ये पूरी तरह से रॉन्ग पद्धति है। मैं बताऊंगा सही पद्धति क्या है। और फिर आप देखिए, यहां पर जो भुजंग आसन की स्थिति, वो सबसे खतरनाक है, गलत ही नहीं है, खतरनाक है। पांव की उंगलियां जब अंदर रहती है तो आपके कमर पे ज्यादा वेट आएगा, और पूरी तरह से हाथ को इस तरह से सीधा नहीं किया जाता है, इससे हार्ट लंग्स को मजबूती आने की जगह हमारे कमर पे कमजोरी आ सकती है, मन का जो है डिस्क है उस पे प्रेशर आ सकता है। तो इस तरह की गलतियों को हम जब नजरअंदाज कर सूर्य नमस्कार को पेश करेंगे, तो वो वैसा ही होगा कि सड़ा हुआ सेब हम गांव मोहल्ले में बांट आए, उससे हाजमा ही बिगड़ने वाला है, स्वास्थ्य नहीं आने वाला है। तो आज समझे हम कि सही तरीके से हम कैसे बेहतर सूर्य नमस्कार करें, और हमेशा वशिष्ठ योग आश्रम की इसी तल पर कोशिश है। श्री कृष्ण जो है सो कौरवों के साथ नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें खोट है, उनमें गुणवत्ता की कमी है, सिर्फ संख्या बल है उनके साथ। कृष्ण उनके साथ हैं, जो पांच पांडव है, संख्या कम है लेकिन गुणवत्ता है। इसीलिए क्वालिटी पे हम काम करें, क्वांटिटी पे नहीं। तो सीधे क्वालिटी को लेकर के आप बात करें, और जो लोग इस 75 लाख के मुहिम में लगे हुए संख्या के चल पर, उनको मैं कहूंगा कम से कम जहां भी आप करना चाहते हैं वहां सही सही कीजिए, तभी योग का अमृत प्रकट होगा और हम 75 साल के अमृत महोत्सव में अमृत को प्राप्त कर पाएंगे। तो सीधे योग के सूर्य नमस्कार की सही सही पद्धति को हम समझते हैं। आप भी मेरे साथ अभ्यास जरूर करें। देखने के साथ दोनों पांव को मिलाएंगे, ये समय स्थिति है, यहां से शुरुआत होती, नाभि अंदर होगा, चेस्ट उभर जाएगा, हाथ बाजू, दृष्टि सामने। पहली स्थिति प्रणाम आसन की है, यहां पे श्वास छोड़ सकते हैं या नॉर्मल सांस रखें। यहां से दोनों हाथ को छाती के बराबर खोलते हुए श्वास लेते हुए पीछे जाएं, आपका पंजा दबा रहे और धीरे धीरे छाती को उभारें। कई लोग ज्यादा घूमने पीछे जाने में गलती क्या करते हैं, मैं गलती भी बताता जाता हूं कि वो पांव को बेंड कर देते हैं और ऐसे जाते हैं। आपने टीवी में मशहूर लोगों को देखा होगा, तो ये गलत पद्धति है, उससे आप बचे। कमर पे गैर जरूरी प्रेशर आता है, चक्कर खा के नीचे भी गिर सकते हैं, और हाथ बांधे रहने से आपकी छाती ओपन नहीं होती इस तरह से, तो लंग्स हार्ट ओपन नहीं होगा, उसको एक्सेस रूम नहीं मिलेगा। पहली गलती को सुधार लें। तो श्वास भरते हुए हम ऊपर गए, और जब नीचे आए तो स्पाइन को सीधी रख करके आगे जाना है, यानी ज्वाइंट से आप बेंड कर रहे हैं। लेकिन यहां पे गलती क्या होती है कि हम जब बेंड करते हैं तो हम पहले स्पाइन को फोल्ड कर देते हैं और कुबड़े की तरह झुकते हैं इस तरह से, ये आपको झुकने ही नहीं देगा ज्यादा, और नुकसान स्पाइन पे ज्यादा हो जाएगा। आप सोचेंगे सूर्य नमस्कार करके परम उद्धार हो रहा है, लेकिन सही सूर्य नमस्कार से होगा उद्धार। तो यहां पर आपको क्या करना है, हमने श्वास लेके पीछे गया, श्वास छोड़ते हुए स्पाइन कीप स्ट्रेट और आगे झुके,
हो सकता है किसी की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो तो नी को बेंड कर सकते हैं और हाथ को पांव के पास ले जाए, सिर नीचे छुपा। नी को बेंड करने से बैक पे प्रेशर नहीं आएगा, लाभ पहुंच जाएगा। अब यहां से राइट लेग को पीछे ले जाए तो 90 डिग्री। पिक्चर में दो ही गलती दिख रही थी लेकिन जब करेंगे तो कई सारी गलतियां दिख जाएगी ऐसे लोगों की, और इन्हें ही पोस्टर बॉय बनाया गया है ताकि अमृत महोत्सव जो है वो विश्व महोत्सव में कन्वर्ट हो जाए। तो इसीलिए जरूरी है कि आजादी का अमृत महोत्सव में जो सनातन अमृत ऋषि मुनियों की वो आप तक पहुंचे। इसीलिए वशिष्ठ योग का अभियान है, यहां पे पांव की उंगलियां जैसे आप बाहर करेंगे आपका थाई पे स्ट्रेच बढ़ेगा और ये 90 डिग्री पे होगा जो पिक्चर में नहीं था। पिक्चर में इस तरह से गलत पोजीशन में है, टीवी में भी आप इसी तरह के पोस्चर को देखते होंगे। इससे हिप थाई कभी स्ट्रेच नहीं होगा तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी नहीं, रॉन्ग पोस्चर है। राइट के लिए इसको 90 डिग्री पे करें। जैसे 90 डिग्री पे आएगा आपको लगेगा कि मेरा थाई पे स्ट्रेच हो रहा है और हाथ आसानी से यहां नहीं पहुंच पा रहा है, तो आप फोल्डेड इस तरह से रख सकते हैं, दृष्टि सामने, यहां श्वास लेना है। अब यहां से पांचवी स्थिति में जाने के लिए पांव की उंगली अंदर करें, घुटना ऊपर, और फिर दूसरे पांव को ठीक पीछे ले जाए, कंधा पीछे नहीं ले जाए, वो सामने रहे। दंडासन में स्थिति सही क्या है कि शोल्डर रिस्ट एक लाइन पे, अगर आप ऐसे हैं तो गलत है। छाती हथेली कम चौड़ी फैली हुई तो गलत है, बहुत ज्यादा फैला ली है तो गलत है। तो छाती के बराबर दूरी, दसों उंगलियां खुली, कई लोग बंद रखते हैं तो वजन आपकी कलाई पे ज्यादा आता है, कलाई का दर्द शुरू हो जाता है। कई लोग कमर नीचे रखने, गलत है, इससे कमर में दर्द होगा। इसको उठा कर रखें शोल्डर के बराबर, गर्दन उठा कर रखते हैं, गलत है, ये स्पाइन के लाइन पे रहे। यहां पर स्थिति श्वास की रुकी रहेगी, अंदर श्वास छोड़ेंगे, घुटना छाती मस्तक नीचे जाएगा, एल्बो को बॉडी के साथ नीचे ले जाए, ये स्थिति। अब इसमें गलती क्या होती है, कई लोग पहले हाथ बाहर करेंगे नीचे ले जाए, तो इससे क्या हो रहा है मेरे कलाई और हथेली पर ज्यादा वेट आ रहा है, ये गलत पोजीशन है। तो हमेशा जब आप जा रहे हैं तो एल्बो अंदर कीजिए, श्वास छोड़िए और फिर छाती को हथेली के बीच में लाए, चिन्ह या मस्तक। अब नितंब ऊपर है तो इसको समतल करने के लिए आगे की स्थिति में आगे बढ़े, पांव की उंगलियां बाहर करें, पांव को मिला के या थोड़ा सा हिप डिस्टेंस में रखेंगे तो कमर को ज्यादा कंफर्ट होगा। एल्बो बाहर नहीं, अंदर रखें और फिर थोड़ा उठे, ये भुजंगासन की स्थिति। गलतियां नंबर इसमें क्या है, हाथ बाहर रहता है ऐसा, ये रॉन्ग है, सीधा उठ गए जो फोटो में दिखाया गया, कमर का बेंड बच जाएगा, ऐसा मत कीजिए। फिर आप कहेंगे योग में नुकसान हो रहा है, गलत सेब खाने से नुकसान है, सड़ा सेब खाने से नुकसान है, सही सेब से नुकसान नहीं। तो हथेली सामने नहीं, छाती के बराबर हो, पांव की उंगलियां बाहर हो तो वेट आपका जो बैक पे आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट होकर के पंजे से बाहर निकल जाएगा। यहां श्वास लेते हुए थोड़ा ऊपर आएंगे, इससे आपका लंग्स हार्ट मजबूत होगा। हाथ सीधा करने से बैक पे ही प्रेशर नहीं आता बल्कि हार्ट लंग्स को मजबूती नहीं मिलती, आप देखेंगे इसको करके तो बहुत फर्क आएगा। कई लोग पहले भी किए, मैंने एक वीडियो डाला है तो उन्होंने बताया कि कितना फर्क आ गया। अब यहां से पांव की उंगलियां अंदर, श्वास छोड़ते हुए अधोमुख श्वास, दोनों पांव के बीच में हिप के बराबर गैप भी रख सकते हैं, जितना सिटिंग बोन को पीछे ले जाओ और आखिरी में हील को भी नीचे ले जा सकते हैं। जिनको कमर की दिक्कत हो वो नी को बैठ रखिए तो बैक पे प्रेशर नहीं आएगा, अदरवाइज सीधा। अब जो पांव ले गए हैं उसी को सामने ले जाए, यानी राइट लेके गया था तो राइट सामने ले जाएंगे। ये तथाकथित जो लोग हैं वो बताएंगे कि लेफ्ट सामने ले जाए, एक बार राइट ले गए पीछे और लेफ्ट सामने आए तो सेम लेग में स्ट्रेच होगा। लेकिन अभी देखिए, उस वक्त मेरे राइट लेग में स्ट्रेच हो रहा था, अभी लेफ्ट में थाई पे स्ट्रेच हो रहा है। 90 डिग्री ख्याल रखना, ये 90 डिग्री नहीं रहेगा तो नी पे भी प्रेशर पड़ेगा, तो उसका आपको ख्याल रखना। यहां श्वास लेकर के सामने देख रहे हैं, अब आगे बढ़ना है। किसी किसी को इस स्थिति में भी दिक्कत आता है, पांव नहीं डायरेक्ट आप ले पाते हैं इस तरह से, तब ऑप्शन क्या है, तब आप घुटना नीचे कर दीजिए, राइट हाथ को ऊपर उठा लीजिए और पैर को सीधी धीरे से ले जाइए, एडजस्ट कर लीजिए और फिर ये अंजनी आसन। अब स्थिति क्या है, अंजनी आसन का नाम दे दिया है आधुनिक योगियों ने, अश्व संचालन, घोड़े को चलाने वाला। अरे माता अंजनी, वीर बजरंगबली के नाम जिनका है उनकी माता का नाम लें, घोड़ा और गधा को कहाँ संचालन कर रहे हैं,
तो उसका ध्यान रखेंगे कि प्राचीन नामों को ना चेंज करें। अब यहां से श्वास लें और उठाएं और श्वास छोड़ते हुए दोनों पांव को नी बैंड रखें और झुक जाएं। कंफर्ट हो तो सीधा करके नीचे जा सकते हैं। पूरी तरह से श्वास खाली, पेट खाली। अब यहां से आगे बढ़े तो कई लोग डायरेक्ट उठ जाते हैं, इस तरह से ऊपर आते, रॉन्ग। आपको यहां से जैसे आए थे यानी फिर से हाथ को आगे बढ़ाइए ताकि स्पाइन सीधी हो जाए। श्वास भरें, श्वास भरते हुए पंजे को नीचे दबाएं और फिर पीछे आए और फिर सामने से ही हाथ को ला करके नमस्कार स्थिति और फिर विश्राम। ये एक स्थिति हुई यानी एक राउंड। अगर आप इस तरह से एक राउंड भी कर लें तो ये काफी है, क्योंकि इसमें आठ आसन है। आठ आसनों का गुलदस्ता है सूर्य नमस्कार। और अगर आप आठ आसनों को सही तरीके से नहीं जानते हैं तो कैसे गुलदस्ता आपका खिलेगा, कैसे उससे स्वास्थ्य की, सेहत की खुशबू बिखरेगी, कभी नहीं बिखर सकती है। कायदे से मैं जब अपने शिविर में सूर्य नमस्कार सिखाता हूं तो इन आठों आसन को पहले दुरुस्त करवाता हूं, जो लोग आए हैं वो जानते हैं, फिर इन सबको मिक्स करके सूर्य नमस्कार को गढ़ता हूं। सूर्य नमस्कार एक पराक्रमी कार्यक्रम है, इसको इस तरह से नौटंकी तरीके से पेश नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरा प्रतिष्ठित संस्थानों से और सरकार से भी गुजारिश कि तमाम चीजों को, सनातन विद्या को बहुत संभाल करके हमें पेश करना है, अपने धरोहर को बचाना है। और मुझे ताज्जुब होता है कि जब नई दिल्ली के मैं एयरलाइंस जहां है वहां पे आप जाते हैं एयरपोर्ट पे, वहां पर लगा हुआ है सूर्य नमस्कार का, इसी तरह की गलतियां हैं वहां पे, एक एक दो पोस्टर एकदम गलत है। मैं रायपुर गया था, सड़क के किनारे भी वहां पे सूर्य नमस्कार की प्रतिमा को गढ़ी गई थी, लेकिन वही गलतियां पोस्चर में। योगासन सिर्फ शरीर को मोड़ लेना नहीं है, एक विज्ञान है। जैसे रॉकेट को आप लॉन्च करते हैं तो कितने डिग्री पर उसको लॉन्च करेंगे तो मैक्सिमम दूरी पर पहुंचेगा, उसी तरह हमारा शरीर का एक अलाइनमेंट है। हम गाड़ी में व्हील अलाइनमेंट करते हैं ताकि गाड़ी के ऊपर प्रेशर नहीं आए, और इस शरीर का मिस अलाइनमेंट कर रहे हैं, उसका कुछ मतलब नहीं है। और दूसरी ताज्जुब की बात क्या है कि योग को घुड़दौड़ बना रखा है, जल्दी 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 करके 108 किसी को पहुंचाना है, किसी को 75 लाख बनाना है। अरे भैया ये योग है, यहां शांति है, यहां ठहराव है, यहां तन्मयता है, आनंद है। जीवन दौड़ा ही रहा है, भगा ही रहा है, हपा ही रहा है, कपा ही रहा है, यहां तो कम से कम ऊर्जा ले लो ताकि जीवन की क्रांति में, महाभारत में अपने आप को ज्यादा ऊर्जावान महसूस करके उतर सको। इसीलिए बहुत जरूरी है कि इस तरीके से सनातन संस्कृति का जो अमृत है उसको 75वीं सालगिरह पर हम परोसे अपनी जनताओं के बीच, अपने साधकों के बीच में। आप भी अगर इस अभियान में साथ हैं तो इस वीडियो को आप अपनाएं अपने जीवन में और शेयर भी करें। सिर्फ 75 लाख की भीड़ में शामिल नहीं हो, क्योंकि ध्यान रहे कि श्री कृष्ण यानी योगेश्वर उनके साथ नहीं है जो कौरव है, वो उनके साथ हैं जो पांडव हैं। मैक्सिमम कितना सूर्य नमस्कार करें, एक सवाल आएगा आपके मन में, मैंने उसकी भी संख्या बताई है, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में कमेंट में है। इससे ज्यादा नहीं करें, और उसके पीछे का लॉजिक है, और वो लॉजिक जो है बहुत मैथमेटिक्स से लिया हुआ है, जो योग का मैथमेटिक्स है, गणना है, उसको भी आप जरूर देखें। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आप स्वस्थ रहें, और उससे भी ज्यादा जरूरी है सचेत रहें, क्योंकि दानव आपके अमृत को कभी भी छीन सकते हैं, और हलाहल आपको थमा दिया जाए तो आप तो शिव नहीं हैं कि उसका पाचन आप कर सकें। उसके लिए साधक होना होगा, तो विष पान करके भी पाचक उसको तैयार किया जा सकता है। तो अमृत महोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, सरकार और संस्थाओं को भी बधाई जो एक पहल कर रहे हैं, लेकिन उस पहल को सही दिशा में देने की आवश्यकता है, जो सनातन ऋषियों की दिशा है। धन्यवाद, नमस्कार।